व्यायाम मुख्य समस्या थनेले की है। उसमें थन में फटक आ जाएंगे दूध में, या उड़ी पत्थर सी हो जाएगी, भारी हो जाएगी एकदम पत्थर जैसी। तो उसका घरेलू जो उपचार है वो आज आपने दिखाऊंगा। मैंने अपनी कई गायें पर जमा कर देखा हो, 100% कारगर है। राधा पता कई बार कर लिया, इसका कई बार दिक्कत आ, क्योंकि इसका अडर जो थन जो है भारी हैं, थोड़े से हैवी हैं। तो इस तरह की जो गायें हों उनमें यह समस्या ज़्यादा आवा है। तो उसका जो घरेलू उपचार है वो भी आपसे दिखाऊंगे, कैसे कैसे वो बना है, कैसे उसका प्रयोग करना है। एलोवेरा कैसे तोड़ना है भाई, जब यह दवाई बनानी है तो दिखाऊंगे। एक बार बड्डी फली लेनी है तेरी, या जो बड्डी है ना सारे में, ले इस तो परली ले ले। ले। ये हाँ बिल्कुल निश्चित है, इतना ही सफेद सा है ना, ऐसे निकालना है। देखिए नीचे करिए थोड़ा, पूरा ऐसे निकालो, फिर इसमें मिक्सी में आगे की प्रक्रिया दिखाऊंगा आपको। तोड़ के इसने और इसने उल्टा कर लो, ताकि यह जेली सी है ना नीचे ना गिरे। चलो बिना धोए बिना साफ करे इसने ऐसे मिक्सी में काट लो। इसका पूरा जेल इसमें रहना चाहिए, और फली जो है ना पूरी बढ़िया फली होनी चाहिए, बड़ी छोटी फली नहीं, जो पूरी पूरी पकोसी हो रही हो, जिसमें बढ़िया जेल बन जाए। उसमें ऐसे काट के इसमें ग्राइंडर में घेर लो, और यो है चूना, जो पान में चूना ला गया था ना वो चूना है। यो चूना लगभग 15 ग्राम गिरना है अंदाजे से। थे ये चूना हो गया, या हल्दी पिसी हुई इसमें 2 चम्मच हल्दी गिर लो। ये इसमें पीस लो, पीसे पीसे ही सा हो जाए लाल बिल्कुल। ये भी इसमें ये दिन की 4-5 खुराक तैयार होगी एक बार। ये भी इसमें तो एक हिस्सा ले लेंगे और पानी में मिला लेंगे। पानी ले लो और इसमें ऐसे मिला लो यो, और इसने अब बाएं के थन पर अच्छी तरह लेप करके, वैसे जब वह पत्थर सा हो जाए ना तो उसमें क्या करना चाहिए, थन खाली करना चाहिए और फिर यो लेप लगाना चाहिए। तो यो कैसे लगाना है भाई, यो देखो जित जित ओड़ी पत्थर सी हो रही हो ना, वहां वहां इसकी बढ़िया तरिया मालिश करो। ओड़ी कत्ती च पत्थर सी हो रही हो ना उसने भी यो पिंगला देगा, क्योंकि इसमें चूना है, हल्दी एंटीबायोटिक है, एलोवेरा और चूना इसमें। और जिसके ज़्यादा दिक्कत हो ना वो पहला थन ना खाली करो, थन ना बिल्कुल खाली करके, दर्द होता हो तो चाहे उसने खटखट में भी बाड़नी पड़ो नैना लगा कर, ये भी इसका दर्द तो है नहीं, तो जब भी 2-4 दिन इसने लगाऊंगे। तो तरीका तो जिसका ज़्यादा दिक्कत हो उस थन ने पहले खाली करो, दूध खाली करके बिल्कुल, उसमें दूध खाली करे पीछे थन में भी दर्द में भी आराम हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर हो जाए, बुखार भी आ जा रहा गाय का जब ज़्यादा दिक्कत हो रही हो। तो थन खाली करके जय भी दिन में लगाओ, 4-5 दिन में यो लगाना है, पानी में मिलाओ और लगाओ। और शाम का जो लेप है ना वो पानी की जगह तेल मिला लो, शाम में जो बारी ही लेप लगेगा पानी की जगह तेल लगा लो, मिला के पानी की जगह तेल मिला के वो लगा दो, ताकि वो पूरी रात इसके थना पर चिपके रहे और काम करे। 4-5 दिन इसने कर दो, गाय ठीक हो जाएगी और 5-10 हज़ार खर्चे तो ही बच जाओगे, और गाय
2 साल में जानते बच्चे ही ना तो गए बिल्कुल खराब हो जाए। इसका एक थन का देखो सफ़ेद सा हो रहा, जो यहाँ उठती बैठती है ना चोट लग गई थी, तो इसलिए थन जो है ना दबाव में आ जाए, ज़्यादा ज़्यादा जो हैवी ऑर्डर हो जाए है ना उसका दुख भी हो है, जो फायदा भी हो है, या तो खरा भी बगैर नैने के लगवा लें सूदी गायें हैं बढ़िया सारे गए, लेप करके छोड़ दो, फिर दिन में 4-5 पर लगा दो, 5 खुराक लगभग हो जाए, एक बाई एक एलोवेरा की डंडी लेते 4-5 में लागण की और खुराक हो चुकी है, तो इसमें दल जो थोड़ा हा और पानी में मिलाओ और ऐसे मालिश कर दो, थोड़ी मेहनत तो होगी पर गाय तो बच जाएगी, दूध में कोई दिक्कत आना इन्फेक्शन होना, टीके लगवाओगे तो दूध में भी इन्फेक्शन बनेगा, वो दूध पी नहीं सकते, उसे दगा बीमार करेगा और गाय के दूध में सुखा देगा, और वो जो पत्थर सा हो जाए है ना उड़ी हुआ भी उड़ेगी उड़े रुक जाएगी, वो पिंगड़ेगी नहीं फिर। तो भाई ऐसा जो तो तरीका है, ऐसे एलोवेरा हल्दी चूना ले कर और एक दिन की खुराक बना लो, उसके बाद ऐसे लगा दो, 2-3 पर लगाए तो फटक तो बंद हो जाएंगी, जैसे हमने शाम ने एक पर लगाया था सुबह फटक आई ही नहीं, तो शुरुआती लक्षण न पकड़ लो, अगर 4-5 दिन लगान में दिक्कत करोगे भी हो जाएगी ठीक हो जाएगी की हो रहा है कि ना, उसने पकड़ो भैया दिक्कत है एकदम ये इलाज शुरू कर दो। जब इसके पहली बार होया तो मैं आया जब देखा भाई तो खड़ी है और परेशान हो रही है, बुखार पाया और पत्थर सी ऐसी उड़ी हो रही है, हमने सामने लेप लगाया और 5-4 दिन में कति ओके हो गई, जब भी हो है इसका लक्षण पता लग जाए हमें पाँ हठावा दर्द हो है करते हैं ये इलाज एकदम ठीक हो जाए है। डॉक्टर एमरजेंसी में डॉक्टर का इलाज लेना सही है, पर ऐसी परिस्थिति में अपना घरेलू इलाज बेहतर है, खर्चा भी बचेगा गायें भी बचेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।